This video only for education purpose. For illegal activities, user will be guilty, not the channel and the trainer. तो गाइस आज हमारा जो एक लैकिंग का जो पहला बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पहला मॉड्यूल करेंगे जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग है मॉड्यूल नंबर 1। तो गाइस आप सभी रेडी होंगे इथिकल हैकिंग के न्यू बैच के लिए, तो चले गए शुरू करते हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि जो पहला इथिकल हैकिंग का जो मॉड्यूल है उसमें क्या क्या इंक्लूड है और कैसे अपने करियर की शुरुआत एज अ एथिकल हैकर करें। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोज हैं उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। तो चले गए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू द इथिकल हैकिंग मॉड्यूल 1। तो जो पहला मॉड्यूल है वो इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग है और जो हम वर्जन कर रहे हैं इथिकल हैकिंग का वर्जन 9 है। तो जो मॉड्यूल का फ्लो है वो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ओवरव्यू क्या होता है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के थ्रेट्स और अटैक वेक्टर्स, उसके बाद जानेंगे हैकिंग कॉन्सेप्ट्स टाइप एंड फेजेस, एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप्स, एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एंड लास्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। तो आप सभी जानते हैं इंटरनेट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। तो आपको पता है क्या होता है, हर 60 सेकंड के अंदर ऑनलाइन अगर आप हैं तो आप देखें यहाँ पे बहुत सारा एक स्टेटिक्स दिया हुआ है जिसमें आप वर्डप्रेस पे हर 60 सेकंड के अंदर 1.8K पोस्ट्स होते हैं, गूगल पे 2.66 मिलियन सर्चेज होते हैं, और यूट्यूब पे 5 मिलियन वीडियोस देखे जाते हैं, और भी बहुत कुछ हैं जो भी स्टेटिक्स कहते हैं। केस की जो स्टडी कहते हैं ईबे डाटा ब्रिच है, इसमें रिकॉर्ड्स ऑफ 1.45 मिलियन यूजर्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड, रिकॉर्ड्स कंटेन पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो लास्ट कुछ ईयर्स के हमारे पास डाटा ब्रिज स्टेटिक्स है, मतलब डाटा कैसे रिलीज हुए हैं, कैसे हैक हुए हैं, तो उसी की कुछ डाटा रिकवरी है, जैसे कि डाटा कुछ चुराए गए हैं, कुछ डाटा गायब हुए इंडस्ट्री के, वहाँ पर दिए हुए इंटरनेट टेक्नोलॉजी रिटेल एजुकेशन गवर्नमेंट फाइनेंशियल सभी के डाटा दिए हुए जैसे जैसे गायब हुए हैं। तो उसी सिक्योरिटी को और सिक्योर करने के लिए हम एथिकल हैकर बन रहे हैं और उसी की तैयारी कर रहे हैं। मैं एज अ आपको नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह से गाइड कर रहा हूँ, बट अगर आप इसमें कुछ इसका इनलीगल एक्टिविटी में यूज़ करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। तो मैं आपको मॉड्यूल्स दे दूँगा, मैं आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे तो मैं आपको एक मेल दूंगा, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मेल के थ्रू आपको कुछ पीडीएफ्स, डाटा और जो टूल्स होंगे जितने भी सारे आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं इसमें सारा जो भी डाटा आपको मिल रहा है, आपको जो ई बुक्स मिलेंगी उसमें आपको पढ़ें, पूरा डिटेल लें। मैं आपको सिर्फ ज़्यादा बेसिक से ज़्यादा, मेरा मेन फोकस जो होगा वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैब प्रैक्टिस कराई दें। अब कुछ एजेंशियल टर्मिनोलॉजी है जैसे कि हैक वैल्यू क्या होती है, जीरो अटैक, वर्नरेबिलिटी, डेजी चेनिंग, एक्सप्लॉइट, डॉक्सिंग, पेलोड, बट ये सभी हमारे जो मॉड्यूल्स में है वो पढ़ेंगे। बट पहले आपको मुझे बताना होगा हैक वैल्यू क्या होता है। हैक वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ। हैक वैल्यू इज द नोटेशन अमंग हैकर्स दैट समथिंग इज वर्थ डूइंग और इज इंटरेस्टिंग, एंड जीरो अटैक, जीरो डे अटैक एंड अटैकर दैट एक्सप्लॉइट्स कंप्यूटर एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज बिफोर द सॉफ्टवेयर डेवलपर रिलीज अ पैच ऑफ द वल्नरेबिलिटी। मतलब इस जीरो डे अटैक में क्या होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो वल्नरेबिलिटीज होती है वो अटैकर्स जो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। और जैसे कि आपने एक कंपनी है, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे कि कोई नई कंपनी है उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो उससे पहले उसमें कई अटैक्स किए जाते हैं ताकि उसकी वल्नरेबिलिटी जानी जाए। तो उस तरीके जो अटैक्स होते हैं उसको हम जीरो डे अटैक कहते हैं। अब आता है वर्नेबिलिटी क्या होती है। वर्नेबिलिटी एक वीकनेस होती है, डिजाइन में वीकनेस, इम्प्लीमेंटेशन एरर, जो भी कुछ होता है उसे हम वर्नेबिलिटी कहते हैं किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। डिजिट चेनिंग क्या होता है, इसमें आप एक्सेस लेते हैं किसी भी नेटवर्क का और किसी भी
कंप्यूटर का, और उससे आप किसी और सिस्टम में जाते हैं, फिर उससे और किसी कंप्यूटर में, और उससे ऐसे करते करते एक चेन बनता जाता है। इस तरीके से आप सभी एक्सेस, जैसे मान के चलिए आपके ऑफिस में जो बॉस से कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप बॉस के कंप्यूटर पर अटैक करते हैं तो आप सभी कंप्यूटर से सारा डाटा आप ले सकते हैं वहाँ से। तो इस तरह के जो अटैक होते हैं उसमें डेजी चेनिंग कहा जाता है, जिसमें आप चेन बनती जाती है, जिससे जैसे बॉस का सिस्टम सभी सिस्टम से अटैच होगा। एक्सप्लोइट क्या होते हैं? इट्स अ ब्रीच ऑफ आईटी सिस्टम सिक्योरिटी थ्रू वल्नरेबिलिटीज। डॉक्सिंग क्या होता है? इसमें हम सारी जो पर्सनली इंफॉर्मेशन है वो सभी पब्लिश कर देते हैं, और जैसे कि मुझे कुछ भी आपसे सोशल मीडिया के थ्रू डाटा बेस लेना हो, उस तरह की जो भी प्रोसीजर है उसे हम डॉक्सिंग कहेंगे। पेलोड एक पार्ट होता है एक्सप्लॉइट कोड का, जैसे कि आपके अंदर कोई भी मैं पेलोड सेट करता हूँ उसमें आप मैलिशियस एक्शन स्टोर कराते हैं, जैसे कि हम कुछ में कुछ डिस्ट्रॉइंग क्रिएटिंग बैकडोर्स और हाईजैकिंग कंप्यूटर वगैरह के सारे कोड उसमें बनाते हैं, उसको पेलोड्स कहा जाता है। पेलोड अगर मैं आपको भेज दूँ तो उसमें मैं जितनी कोडिंग वगैरह हुई है उसके थ्रू मैं आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दूंगा, और उससे मैं बैकडोर एंट्री कर सकता हूँ आपके कंप्यूटर में और आपका कंप्यूटर हाईजैक कर सकता हूँ। तो जब हम हाईजैकिंग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पेलोड बनाना सीखेंगे कि कैसे आप पेलोड बनाते हैं और कैसे पेलोड सेट करते हैं और कैसे पेलोड के द्वारा आप सेशन गेन करते हैं। अबॉट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली बाय एग्जीक्यूटिंग और ऑटोमेट डिफाइंड टास्क। मतलब कि आपको एक रिमोट एक्सेस दिला देता है, कंट्रोल रिमोट एक्सेस मिल जाता है आपको इस बोर्ड के द्वारा। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सभी अपने जो डाटा है उसको सिक्योर करना चाहते हैं एक दूसरे के थ्रू, और चाहे वो कोई भी उसको एक्सेस न करे। जैसे कि जो मेन प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें आपको सारा डाटा कॉन्फिडेंट रखना है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है, इंटीग्रिटी, उसकी ट्रस्टवर्थीनेस बनाए रखना है। जैसे कि आप किसी को एक्सेस दे रहे हैं तो वो डाटा सिर्फ उसी तक ही सीमित रहे। मान के चलिए मैं आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपको ऑथराइज कर रहा हूँ कि आप ही उसको एक्सेस लें, उसी चीज़ का एक्सेस लें और वो आप तक गोपनीय रखें उसको। इंटीग्रिटी में क्या होता है? आप उसकी डाटा के जो ट्रस्टवर्थीनेस, आप जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको डाटा दिया तो मैं आपको कहता हूँ ABCD इस लिफाफे के अंदर है, जब आप इसको एक्सेस करें या आप इसको पार्सल पास करें तो उसके अंदर ABCD ही होना चाहिए। उसके अंदर AB हो और सी गायब हो जाए और डी और ई मिल जाए मुझे तो उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस माना नहीं जाएगा, तो उसकी इंटीग्रिटी भी बनाए रखना जरूरी है। अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, मान के चलिए अगर मैं कोई उसको एक्सेस करना चाह रहा है उस फाइल को तो वो भी एक्सेस कर ले। ऑथेंटिकसिटी भी होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे जो उसकी जो क्वालिटी है वो जेन्युइन रहे। और नॉन रिपीटेशन में आपको जो मिलेगा उसकी गारंटी होती है सेंडर की, कि अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज भेजते हैं वहाँ एक सिंगल टिक लगता है, एक डबल टिक लगता है, तो इसमें आपको जब डबल टिक लग जाता है तो इसमें आपको गारंटी मिल जाती है कि वो डाटा और जो मैसेज था उसके पास पहुंच चुका है और बीच में कहीं भी लूज नहीं हुआ। जब वो इसको सीन करता है तो वहाँ ब्लू टिक लग जाता है, तो इस तरीके से गारंटी देती है। द सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में हम देखेंगे SVG कहते हैं इसको, जैसे कि इसमें 3 लेवल्स होते हैं, इसमें आपको सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी। अगर आप किसी सिक्योर मतलब कि जैसे कि मान ही चलिए अगर आप किसी वेबसाइट को ज़्यादा ग्राफिकली मतलब जितना ज़्यादा फीचर देंगे, जितने ज़्यादा उसके अंदर ग्राफिकली चीज़ें डालेंगे, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब जितना ज़्यादा अच्छा हो उतनी साइट कम सिक्योर होती है। अगर आप उसकी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं साइट की तो उतना उसके अंदर आपको चेंजेस कम करने पड़ेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी कम करनी पड़ेगी और उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब उसका जो लुक है डायनेमिकली है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी आपकी साइट ज़्यादा सिक्योर होती है। तो ये कुछ जो ट्राइंगल है उसको मेंटेन करके ही हम आगे अपने जो कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो वेबसाइट आपकी जो कैसे भी सिक्योर हो तो सिक्योरिटी आपकी उस पर डिपेंड करती है कि आप वेबसाइट कितनी ज़्यादा करवा रहे हैं सिक्योर, और आपके ऊपर है डिपेंड कि अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर करवानी है तो आपको उसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो इनका इसका जो इंटरफेस है उसको आपको बिल्कुल नॉर्मल रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी मैसेज को अगर आप इनक्रिप्ट करते हैं, जितना ज़्यादा इनक्रिप्ट करेंगे वो उतना ज़्यादा स्लो होगा,
तो वैसे ही अगर मैं सिक्योरिटी बढ़ा दूँ अपने नए साइट की, तो उसकी जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही स्लो जाएगा और बहुत ही बेकार लगेगा, उसको देखने में अच्छा लगेगा, मतलब यूज़र की कंपैटिबिलिटी नहीं होती, गुड लुकिंग नहीं होती वेबसाइट। तो उसी को मेंटेन करने के लिए जो ट्राइंगल है उसको हम फॉलो करते हैं, इसका जो प्रोसीजर है, मोटिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक्स। तो अटैक्स का जो मेन मतलब क्या होता है, अटैक्स कहाँ किसी जाता है, अटैक में होता है क्या है, मोटिव जो कि आपका गोल है कि मुझे यार ये करना ही करना है, और उसमें आप क्या मेथड यूज करते हैं और क्या वल्नरेबिलिटी है वहाँ पे, किस तरीके से आप उसके अंदर एक्सेस ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप अटैक कर सकते हैं, मतलब जैसे कि एक फौज है वो अटैक करना चाह रहा है, तो उसको क्या मोटिव क्या होता है, दुश्मन को मार गिराना है। तो फिर उसके बाद क्या फॉलो किया जाता है, उसमें मेथड कैसे आप मेथड यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप दुश्मन में विजय प्राप्त करते हैं, और वल्नरेबिलिटी मतलब दुश्मन में क्या कमी रहेगी और क्या क्या वहाँ पे लूप होल है, उसके मद्देनज़र जब टोटल एक प्रोटोकॉल तैयार हो जाता है तो उसे हमें अटैक कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कुछ थ्रेट्स और कैटेगरी हैं, जिसमें आपका नेटवर्क थ्रेट्स आता है, होस्ट थ्रेट्स आता है और एप्लीकेशन थ्रेट्स आते हैं। जिसमें अगर नेटवर्क थ्रेट्स के बारे में देखा जाए तो उसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, स्निफिंग और एवज ड्रॉपिंग, स्पूफिंग मतलब किसी भी पैकेट को पढ़ना, स्पूफ करना, और सेशन हाईजैकिंग एंड मैन इन द मिडल अटैक होता है, DNS एंड ARP पॉइजनिंग, पासवर्ड बेस्ड अटैक्स होते हैं जिसमें अगर आप पासवर्ड डाले जाएँ तो वो भी अटैक कर सकते हैं किसी वेबसाइट वगैरह पे, DNS ऑफ सर्विस अटैक्स, कॉम्प्रोमाइज की अटैक्स, फायरवेल एंड IDS अटैक्स मतलब कि फायरवेल्स होते हैं जो आपके नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो फायरवेल होते हैं, फायरवॉल में कई कंपनीज में क्या होता है, सिर्फ दो पोर्ट ओपन किया जाता है, पोर्ट नंबर 25 और पोर्ट नंबर 80। जो पोर्ट नंबर 25 होता है वो मेल सर्वर के लिए होता है, और जो पोर्ट नंबर 80 होता है वो वेब सर्वर के लिए होता है। तो बेसिकली ये दो पोर्ट आपको हमेशा ओपन मिले हैं किसी भी फायरवॉल के। अब ये मत पूछिएगा फायरवॉल होता क्या है, फायरवॉल वगैरह के बारे में आप जानना चाहते हो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा और उस वहाँ पर आप सीख सकते हैं। पोस्ट अटैक्स थ्रेट्स में क्या होता है, मालवेयर अटैक्स होते हैं, फुट प्रिंटिंग की जाती है, पासवर्ड अटैक्स में भी डोज अटैक होते हैं, आर्बिट्री कोड्स एग्जीक्यूशन, अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रिविलेज एक्सक्लेशन, बैकडोर अटैक्स और फिजिकली सिक्योरिटी थ्रेट्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। और जो कि CH वर्जन 9 में हमारे कुछ जो एप्लीकेशन बेस्ड अटैक है उसमें हम इम्प्रॉपर डाटा इनपुट वैलिडेशन करते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन अटैक्स करते हैं, और इसमें कुछ SQL इंजेक्शंस और क्रिप्टोग्राफी अटैक्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं अपने मॉड्यूल्स में। अब कुछ यहाँ पे टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं जिसमें हम किसी भी सिस्टम पे किस तरीके से अटैक्स करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स होते हैं जिसमें हम मेन OS पे अटैक कर देते हैं ताकि हम उसके सिस्टम का एक्सेस ले सकें। जैसे कि अगर मैंने आपके OS पे ही अटैक कर दिया, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने अटैक कर दिया, तो मैं आपका पूरा PC का एक्सेस ले सकता हूँ। मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक्स होते हैं, इसमें हम इनलीगल एक्सेस लेते हैं वेब सर्वर के थ्रू और या फिर डाटाबेस या नेटवर्क में घुस के। एप्लीकेशन लेवल अटैक्स में क्या होता है, हम एप्लीकेशन मतलब इसको SQL इंजेक्शन करते हैं, मैन इन द मिडल अटैक करते हैं और सेशन हाईजैक करते हैं, और इसमें आपका डोस सर्विस भी आ जाता है, डेनियल ऑफ सर्विस एट सकते हैं। ये कुछ अटैक्स के टेक्निक हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने अटैकिंग के लिए। और सिंग रैप कोड अटैक्स होते हैं, इसमें हम एक्सप्लॉइट डालते हैं मतलब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं ताकि हम कुछ एक्सेस ले सकें किसी भी PC का विद दिस टाइप्स ऑफ अटैक्स। अब मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हम नंबर 3 पे आए। अब नंबर 3 के बारे में, पॉइंट नंबर 3 हाईजैकिंग कॉन्सेप्ट्स टाइप्स एंड फेजेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। हैकिंग क्या होता है, हैकिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए, और जो सिक्योरिटी जो कंप्रोमाइजेशन होती है, सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइजेशन होती है ताकि हम किसी भी सोर्स से एक्सेस ले सकें, उसे ही हैकिंग कहा जाता है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन सिस्टम आते हैं और एप्लीकेशन फीचर्स होते हैं जिसके द्वारा हम हैकिंग करते हैं। हैकिंग एक तरह से चोरी की जाती है जिसमें हम बिजनेस को लॉस कराने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। अब जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स के भी कुछ क्लासेस होते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे कि कुछ मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले बताया था कि हैकर्स 3 टाइप का होता है, ब्लैक, वाइट और ग्रे। बाकी जो हैकर्स होते हैं वो जानने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं आपको मॉड्यूल में अगर है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो सिर्फ, उनका काम होता है सिर्फ तहस नहस मचाना और वहाँ पे सिर्फ धमाका करना, जिसे हम
क्रैकर्स नाम से भी बुलाए जाते हैं, तो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। सिर्फ उनका काम होता है तहस नहस करना और चोरी चपाटी। जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं उसको हम एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो काम होता है सिर्फ नेटवर्क को सिक्योर करना और सिक्योरिटी में ही वो अपना ध्यान लगाते हैं पूरा। और जो ग्रे हैकर्स होते हैं वो दोनों होते हैं, वो ऑफेंसिव भी काम करते हैं और डिफेंसिवली भी काम भी करते हैं, मतलब वो कुछ गलत काम भी करते हैं और आपको कुछ सही काम भी करके देते हैं। अब कुछ जो हैकर्स होते हैं जिसमें हम सुइसाइड हैकर्स कहते हैं, जिसमें आपको मैंने कहा कि भाई तू मेरे लिए काम कर दे, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा और पुलिस अगर आपको पकड़ लेगी तो आप अपना नाम लेना, मेरा नाम मत लेना। तो उस तरीके के जो हैकर्स होते हैं उसे हम सुइसाइड हैकर्स कहते हैं। इसमें कुछ स्क्रिप्ट किडीज भी होते हैं, साइबर टेररिस्ट होते हैं जो साइबर अटैक करते हैं और हमारे जो देश के कुछ इंफॉर्मेशन होती है उसको लार्ज स्केल पे उसके स्टॉल करती है, थैस नैस करती है। कुछ स्टेट और स्पॉन्सर्स हैकर्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट रिक्रूट करती है। और हैक्टिविस्ट वो होते हैं जो वेबसाइट को बंद कर देते हैं, बिल्कुल ही पॉलिटिकल एजेंडा होता है इनका एक तरह से। अब हैकिंग का जो फेस है वो कैसा होता है, मतलब कि अगर आप हैकिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए, अगर आप गुड हैकर बनना चाह रहे हैं तो आपको क्या सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है और उसके बाद आपको स्कैन करना है, मतलब स्कैनिंग देखनी है, टारगेट पे पूरा ध्यान देना है, फिर उसके बाद एक्सेस लेना है, फिर आपको उस एक्सेस को मेंटेन करके रखना ताकि वो जो आपने एक्सेस लिया वो लॉस ना हो जाए। मतलब अगर आपने कोई सेशन बनाया और आप उस सेशन को खो देते हैं तो आप दोबारा सेशन बनाएंगे और इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है आप पकड़े भी जाएं। और अगर आप पूरा काम कर लेते हैं उसके बाद अपने जो ट्रैक्स हैं उसको क्लियर करते रहें। अब इसमें हम जानेंगे कि पॉइंट नंबर 4 है एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप। व्हाट इज एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग में आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, हैकिंग टूल्स, ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी बताई जाती है ताकि जो आप वल्नरेबिलिटीज हैं किसी भी सिस्टम की और उसकी जो सिक्योरिटी है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। और इसमें आपको वेरीफाई करवाया जाता है जो भी एक्सप्लोइट हैं उनकी वल्नरेबिलिटीज है जो सिक्योरिटी सिस्टम में आपको रुकावट पैदा कर रही है, तो उसी के लिए ये आपका। और इसमें आपको क्या होता है जो एथिकल हैकिंग उसमें आपको होता है वो परमिशन दी जाती है, जो भी आपके जो अथॉरिटीज़ है वहाँ से आपको परमिशन मिलती है तब जाके आप एथिकल हैकर कहलाते हैं। अगर विदाउट परमिशन आप करेंगे ऐसा कुछ भी एक्सेस लेना वगैरह वाला काम तो वो एक तरह की ब्लैक हैट हैकिंग आती है। पॉइंट नंबर 5 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स। जो थ्रेट मॉडलिंग होती है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव्स को, उसके फिर एप्लीकेशन का ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद जो एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप थ्रेट्स वगैरह आपको मिल रहे हैं उसको फाइंड करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, फिर उसके बाद हम वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, मतलब कि हम वीकनेस देखेंगे कि मतलब ये आपकी वेबसाइट है या आपके जो सिस्टम है उसमें क्या क्या वीकनेस है और क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं। और उसके बाद हम इसमें कुछ सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज हैं उसे प्रोमिसियस पॉलिसीज कहते हैं, परमिसिव पॉलिसीज और प्रूडेंट पॉलिसी और पैरानॉइड पॉलिसी। जो प्रोमिसियस पॉलिसी होती है उसमें किसी को भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी उसमें एक्सेस ले सकता है। और जो परमिसिव पॉलिसीज में होती है उसमें हम जैसे कि कुछ जो डेंजरस सर्विसेज होते हैं, अटैक्स और बिहेवियर्स होते हैं उसको ब्लॉक किया जाता है और ये हमेशा अपडेट होनी चाहिए, रेगुलरली इसको अपडेट करना चाहिए। और जो प्रूडेंट पॉलिसीज होती है उसमें हम मैक्सिमम सिक्योरिटी करके रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम डेंजर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकें। और इसमें क्या होता है प्रूडेंट सर्विस में हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज ब्लॉक करके रखते हैं, और जो पैरानॉइड पॉलिसी होती है इसमें हम सब बंद करके रखते हैं, इसमें इंटरनेट कनेक्शंस बंद होता है और कभी कभी तो इसमें सर्वर ही बंद कर दिया जाता है। अब आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक मेथड होता है जिसमें हम अटैक करते हैं ताकि हम वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकें। अगर आप एज अ आपने CH कर ली, आपने इसका एग्ज़ाम दे दिया और आप सर्टिफिकेट ले चुके हैं और सर्टिफाइड हैं, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे तो जैसे कि मान के चलिए मैंने आई एम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर एंड आई एम गोइंग टू अ बैंक वेबसाइट और मैं वहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे लीगली बुलाया गया है कि बैंक वालों ने कि आइए हमारी वेबसाइट को देखिए हमारी वेबसाइट कितनी सिक्योर है, तो मैं कुछ वहाँ पे टेस्ट करूँगा जिसे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। इसमें हम कई तरह अटैक करते हैं जिसमें हम वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं ताकि हम उस वेबसाइट को और ज़्यादा सिक्योर बना सकें। फिर सिक्योरिटी को मेजर किया जाता है ताकि उसके डिज़ाइन को देखा जाता है, उसकी वीकनेस, टेक्निकल फॉल्ट्स, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है उसको देखा जाता है। पेनिट्रेशन टेस्ट में इसमें हम
कई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं जिसमें हम वीकनेस देखते हैं और जो भी एक्सप्लॉयटेड होते हैं, जो भी एक्सप्लॉयट हो सके उसको भी रिमूव करते हैं। और उसके बाद जब हम एक पूरा पेनिट्रेशन टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट बना के देते हैं ताकि आगे जो भी हमने बीए किया, मतलब वर्नेबिलिटीज असेसमेंट जो भी हमने पूरी तैयार किया, उसकी हम रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद हम बैंक को वो रिपोर्ट देते हैं। और जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, इसमें दो टीम बनाई जाती है। जैसे कि हमारे ऑफिस में चार बंदे अगर निकलते हैं तो वो दो ब्लू टीम बंदे हैं और जो दो बाकी जो होते हैं दो रेड टीम मिलते हैं। तो इसमें हम अप्रोच करते हैं सिक्योरिटी रिस्पॉन्डर की, मतलब जो ब्लू टीम होती है इसमें हम सिक्योरिटी रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके बाद हमारे पास सभी एक्सेस होते हैं सारे के सारे, और हम इसमें कभी कभी सरप्राइज अटैक भी करते हैं। बट जो रेड टीम होती है उसके पास कुछ ज़्यादा, कभी कभी उनके पास एक्सेस भी होता है और कभी कभी उनके पास लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, और जो भी वो काम करते हैं विदाउट वार्निंग करते हैं। और उनका जो काम होता है वो नेटवर्क को डिटेक्ट करना, सिस्टम की वल्नरेबिलिटी फाइंड करना और उनकी सिक्योरिटी को चेक करना होता है। तो इस तरीके से हम पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं अगर कोई भी हमें कंपनी ऑफर करती है तब। अब जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है तीन टाइप की होती है, जिसमें हम ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स करते हैं। इसमें जो हम ब्लैक बॉक्स होता है उसमें ब्लाइंड टेस्टिंग, डबल ब्लाइंड टेस्टिंग होता है। इसमें वाइट बॉक्स में कंप्लीट नॉलेज ली जाती है और ग्रे बॉक्स में होता है इसमें हम लिमिटेड नॉलेज दी जाती है। तो जो ये हमारा पहला मॉड्यूल था वो अब ख़त्म हो चुका है। इसमें कुछ मॉड्यूल की समरी है, उसमें हमने जाना कि कैसे आप वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, हम पेनिट्रेशन कैसे होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसी होती है, कैसे काम करती है और हैकर्स कितने टाइप के होते हैं, और काफ़ी कुछ हमने इस मॉड्यूल में जाना, नेटवर्किंग बारे में नॉलेज वगैरह लिया कैसे हम। तो आई होप आपके लिए जो पहला क्लास होगा काफ़ी बोरिंग रहा होगा, तो मैं आई होप, बट ये कुछ शुरू के जो एक दो मॉड्यूल्स हैं वो थोड़े बोरिंग है, ऐसी है मतलब थ्योरेटिकल है, बट जो इसके जो दो तीन मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, लैब मैनुअल है मैं आपको दूंगा, और आप एनरोल कराइए, मेल कीजिए हमको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है और आप मेल कीजिए, मैं आपको मेल के थ्रू एक लिंक दूंगा, आपको वहाँ से सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने, सारे टूल्स, पीडीएफ, लैब मैनुअल सभी आपको वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।